असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उनका आरोप है कि राहुल गांधी ने यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज बिजनेस स्कूल में अपनी टिप्पणी से भारत को बदनाम करने की कोशिश की। वही हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि राहुल ने विदेशी धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी को जॉर्ज सोरस से भी जोड़ा है। वही जॉर्ज सोरस जो हंगरी अमेरिकी मूल के मशहूर अरबपति उद्योगपति हैं, जिन्होंने पीएम मोदी के 370 धारा हटाने पर भी बयानबाजी करी थी। वहीं बात करें हेमंत बिस्वा की, तो उन्होंने कहा कि पहले एक विदेशी एजेंट हमारे देश के खिलाफ साजिश रचता है और फिर एक भारतीय नेता यानी राहुल गांधी विदेशी भूमि पर देश के पीएम पर निशाना साधते हैं। शर्मा ने कहा कि फिक्स है, ये सब फिक्स है। उन्होंने राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर हमला किया कि कांग्रेस नेता ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आतंकवादियों को दूर से देखा और उनके पास आए एक व्यक्ति ने उनकी ओर इशारा किया। इस पर शर्मा ने पूछा कि राहुल गांधी ने सुरक्षा एजेंसियों को इस घटना की सूचना क्यों नहीं दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पुलवामा आतंकी हमले को कार बम जिसमें 40 सैनिक मारे गए बताया। साथ ही हेमंत शर्मा का आरोप है कि राहुल गांधी ने भारत के जवानों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हमारे जवानों का अपमान करने की हिम्मत कैसे की, ये बम नहीं था बल्कि एक आतंकी हमला था। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तान का नाम लेने से इनकार कर दिया। क्या ये कांग्रेस की आतंकवादियों के साथ समझ का हिस्सा है। वही हेमंत बिस्वा ने कहा कि पहले विदेशी एजेंट हमें निशाना बनाते हैं, फिर विदेशी जमीन पर हमारे अपने हमें निशाना बनाते हैं। कैम्ब्रिज में राहुल गांधी का भाषण और कुछ नहीं बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की आड़ में विदेशी धरती पर हमारे देश को बदनाम करने का एक बेशरम प्रयास था। आरोप लगा है कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट कर रहे हैं। इस पे बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विपक्ष पर दबाव बनाया जा रहा है और झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। वैसे क्या आपको भी लगता है राहुल गांधी ने जो भी कहा, क्या वो भारत को बदनाम करने की कोशिश थी? तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे जनहित टाइम्स के साथ।